अब आपने अभी देख लिया, अपोजिट वाला भी देख लिया और क्रम वाला भी देख लिया, लेकिन ये थोड़ा सा हटके हैं, ये दो सवाल ऐसे हैं कि जो मिक्सिंग में रहते हैं आपको लगता है कि इसमें कुछ करना है लेकिन कुछ नहीं करना है इन सवालों में। सबसे सरल यही सवाल होते हैं, एक बार इसका पैटर्न समझ लीजिए। देखो, यदि मार्स को ARMS लिखा जाता है तो ZNEF को क्या लिखा जाएगा, एक ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है। यदि प्रोजेक्टर को ORPCERJROT लिखा जाता है तो PERTRONGNENI को क्या लिखा जाएगा। जब ऐसे क्वेश्चन हो कि जितने शब्द ऊपर किए गए हों उपयोग, उतने ही शब्द दूसरे वाले, जैसे कि यहाँ पर ये सभी के सभी शब्द इसमें उपयोग किया गया है, उसी प्रकार से यहाँ पर सभी के सभी शब्द इसमें उपयोग किए गए हैं। ठीक है, पूरा का पूरा पहला शब्द जो है, पूरा का पूरा दूसरे जो दूसरा शब्द पहले से निर्माण किया गया, दूसरा शब्द जो है वो पहले से निर्माण किया गया है, तो उसमें कुछ दो तीन चीजें रहती हैं, या तो उसका क्रम बदल देगा, उल्टा कर देगा, सीधा सीधा एम से स्टार्ट कर देगा, या फिर बीच का परिवर्तन कर देगा। जैसे कि यहां पर देखो, एम ए आर एस जे है, ठीक है, यहां पर क्या किया है इसने, यहां पर क्या लिखा है, कैसे लिखा है, ए आर एम और एस, यानी कि एस को तो वहीं का वहीं कर दिया, नीचे डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, और आर को कहां कर दिया, आर यहां पर था तो यहां पर ले आ, ए यहां पर था तो यहां पर ले आओ, एम को कहां पर ले गया, ऐसे लेके गया। ठीक है, उसी प्रकार से यहां पर देखना, एफ को आप यहीं का यहीं रख दो, एफ आ गया, इसके बाद में एन को यहां पर ले आओ, ई को यहां पर ले गया, तो एन आ गया यहां पर और ई आ गया यहां पर, अब जेड को यहां पर लेके चले जाओ, जेड को, बस बन गया शब्द आपका एन ई जेड एफ, एन ई जेड एफ जो भी शब्द होगा ऑप्शन में वो आपका सही हो जाएगा, एन ई जेड एफ पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा इस प्रकार से। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये तो बिल्कुल छोटा सा शब्द था, बहुत जल्दी बन गया, इसको देखो ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें क्या किया गया है, पूरे पूरे शब्द वही उपयोग किया गया है, पी आर ओ, पी आर ओ पहले तीन वर्ड, पी आर ओ ओ आर पी पहले तीन वर्ड, ठीक है, पहले तीन वर्ड यहां पर, पहले तीन वर्ड यहां पर, ठीक है। तो जैसे कि यदि मैं यहां पर लिख दूं इस शब्द को, यहां पर पी आर ओ जे ई सी टी ओ आर प्रोजेक्टर, ठीक है, तो यहां पर क्या किया गया, पहले तीन देखो, दूसरे तीन देखो और तीसरे तीन देखो, लास्ट के तीन टी ओ आर, टी ओ आर, मतलब इसको ऐसे किया, इसको कैसे किया, इसको यही किया, ठीक है। फिर जे वाले तीन देखो तो क्या किया गया यहां पर, जे सी और ई वहीं का वहीं कर दिया, फिर यहां पर देखो ओ को यहां कर दिया, पी को यहां कर दिया, आर को वहीं का वहीं कर दिया, यानी कि तीन शब्द यदि छह हैं तो तीन बना दिए, यदि चार होते तो कितने बना दिए, दो पेयर बने, यहां पर कितने कुल नौ वर्ड हैं, नौ वर्ड है तो नौ को तीन तीन के पेयर बना दिए, यदि छह होता तो तीन तीन के दो पेयर भी बना सकता था, और यदि चार है तो दो 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 के एक एक दो दो के पेयर भी बना सकता था, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है, पहले का तीसरा, तीसरे का पहला, दूसरा वहीं का वहीं, उसी प्रकार से यहां ये चौथे का यहां पर कर दिया, जे यहां पर कर दिया, जे यहां सीधे का सीधा रहने दिया, तो इसी प्रकार से यहां पर देखो, यहां पर क्या करना है, जो शब्द दिया है तो इसको यहां पर करो, इसको यहां पर करो, तो यहां पर आर आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, ई करो, ई को वहीं का वहीं करने दो, आर ई पी आ गया, इसके बाद में इन तीनों को ले लो, तो आर यहां पर सबसे पहले क्या है, ओ आएगा, यहां पर टी आएगा, आर बीच में रहा दो, यहां पर ओ आ जाएगा, यहां पर क्या जाएगा, टी आ जाएगा, फिर यहां पर तीन देखो तो यहां पर क्या हो जाएगा, एन जे क्या है, आई और जी, तो आई यहां पर आ जाएगा, एन यहीं का यहीं रहेगा और जी यहां पर हो जाएगा, देख लो इसका रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग शब्द इसका बन गया है, इसके आधार पर जो पहले का कूटनीट दिया था दूसरे से, उसी प्रकार से तीसरे का हो गया चौथे से। इसी पैटर्न पर आधारित कुछ और क्वेश्चन देखिए, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ, यदि सिस्टर को T9T20F18 लिखते हैं तो ब्रास को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। यहां पर आपको सबसे पहले यहां पर S दिख रहा है और यहां पर क्या है, T है, और S और T में आपको क्या समानता दिख रही है, S के बाद में एक प्लस करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, T मिल जाएगा, प्लस वन करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, T मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में I, I से आपको क्या समानता दिख रही है, यहां पर I हो यहां पर 9 है, यानी कि I का क्रमांक लिखा हुआ, यानी कि वर्णमाला में जो उसका क्रमांक है वो लिखा हुआ है, तो क्या क्या किया गया है, इसका क्रमांक लिखा गया है 9 लिखा गया, ठीक है। इसके बाद में S है तो S का जो S का क्या है, यहां पर जो लिखा हुआ है S के बाद में T एक जोड़ा गया यहां पर, ठीक है। तो यहां पर क्या है, पहले एक जोड़ा गया है, फिर उसी का जो क्रमांक है वर्णमाला का वो लिखा गया, फिर एक जोड़ा गया, फिर उसी प्रकार से यहां पर T, T देखो इज वाई टी मैंने बताया था ना, E J O T, T
टी का, टी का क्रमांक कितना है 20 है, तो यहाँ पर टी लिखा हो तो इसका क्रमांक लिख दिया। इसके बाद में ई के बाद में एक जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। इसके बाद में आर का क्रमांक कितना होता है, 18 होता है, जी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि पहले इसकी क्लास हो चुकी है वर्णमाला क्रम की। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले आपको बी में एक जोड़ना है, तो बी में एक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सी बनेगा। सी यदि आप देखेंगे तो बी में भी है और सी में भी है, यानी कि आपका डी और ए ऑप्शन अलग हो जाएगा। इसके बाद में आपको R का मान देखना है, तो R का मान कितना होता है, जैसे कि यहाँ पर देखा R का मान कितना होता है, R का मान यहाँ पर देख रहे हैं कितना होता है, 18 होता है, तो 18 दूसरे ऑप्शन में है, तो वैसे तो ऑप्शन इसका दूसरा सही हो जाएगा, लेकिन और आदि आपको चेक करना तो और भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ए है, तो ए में एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा। ठीक है, और उसी प्रकार से फिर यहाँ पर एस है, तो एस का क्या है, क्रमांक रखा है कितना, 19 रखा है, यहाँ पर एस के बाद फिर एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो सही जवाब हो जाएगा कौन सा, दूसरा हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देखिए, इसमें किस प्रकार से पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि यदि स्मार्ट को टी आर बी एम एस व बी आई टी को टी जे बी लिखते हैं तो रोंग को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो देखो, यदि इस बड़े शब्द को ना देख करके आप छोटे शब्द को देखोगे, ठीक है, या छोटे शब्द को देखो, बी आई टी को टी जे बी, ठीक है, तो पहला और लास्ट वाला तो वही अक्षर है जो यहाँ पर और यहाँ पर है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पर बी को लास्ट में कर दिया, टी को पहले कर दिया है। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा कि जी शुरू में होगा और डब्लू लास्ट में हो जाएगा, जी शुरू में होगा और डब्लू लास्ट में हो जाएगा, जो कि इसमें आपको सी में भी दिख रहा है और डी में भी दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल दिख रहा है। अब इसमें आपको एक चीज़ और देखनी है कि आपका जो बीच वाला वर्ण है आई, ठीक है, आई के बाद में क्या होता है, जे, आई के बाद में जे होता है, यानी कि एक जोड़ दिया है बीच वाले में, ठीक है, एक जोड़ दिया है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर ज़्यादा शब्द हैं, यहाँ पर एक जे निकल गया, एक जे जी दो निकल गया, लेकिन बीच में तीन शब्द हैं। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि बीच वाला शब्द क्या है, ओ, ओ में एक जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, पी बन जाएगा। ओ के बाद में क्या होता है, पी होता है, क्या होता है, ओ के बाद में पी होता है, यानी कि पी आपका जो है सी ऑप्शन में दिख रहा है आपको। अब बाकी के यदि आपको ये चेक करना है तो ये भी कर सकते हैं, यदि नहीं करना चाहते हैं तो ना भी करें तो भी चल जाएगा, क्योंकि इसमें यही क्रम चल रहा है, इसमें क्या है, इसको पलट दिया है, इसमें भी एक जोड़ दिया है, इसमें भी एक जोड़ दिया है। यहाँ पर जैसे कि एन है, एन का क्या हो जाएगा, एन का इस साइड कर दिया है और आर को इस साइड कर दिया है, तो सबसे पहले इस जी को उठा करके यहाँ कर दिया, ठीक है, इस डब्ल्यू को उठा करके यहाँ कर दिया, फिर एस एन को उठा करके यहाँ कर दिया, इस आर को उठा करके यहाँ कर दिया, और बीच में जो ओ है, ओ में एक जोड़ करके ओ के बाद में क्या हो गया, पी हो गया, तो जी एन पी आर डब्ल्यू, ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से शब्दों को खेल खेलते हैं, शब्दों को जोड़ते हैं और घटाते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए इसी पैटर्न पर आधारित, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए कि यदि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि क्राउन को सी बी क्यू एन वी एम एवं बी ओ आर एन को वर्ण को बी ए एन क्यू एम लिखते हैं तो उसी कूट भाषा में शॉर्ट को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर शब्दों को देखिए, पहला शब्द जो है, पहला शब्द वहीं का वहीं, सी पहला का पहला वहीं का वहीं रखा है, लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर देख रहे हैं आपके, सी के बाद में बी, यानी कि सी के पहले वाला सबसे पहले तो वहीं का वही शब्द जो है वहीं का वहीं रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे शॉर्ट में, इसमें भी देखेंगे बी का बी बी जो यहाँ पर बी हो, इसी प्रकार से यहाँ पर बी रख दिया, बी के पहले वाला एक शब्द यहाँ पर रख दिया और यहाँ पर सी के पहले वाला बी यहाँ पर रख दिया, यानी कि पहले ही पैटर्न मुझे ये समझ में आया कि जो शब्द पहले है उसको यहाँ पर रख दो, सबसे पहले एस का एस रख दिया। ठीक है, इसके बाद में एस के पहले वाला, एस के बाद में क्या है, पी क्यू आर एस टी, क्या कर दिया है, टी, जो पहले पहले वाला शब्द है पहले का पहला रख दिया है, और एस के पहले वाला शब्द कौन सा है, आर है, तो आर पहले रख दो, चाहे अब इसमें से हो जाए या फिर इसमें से हो जाए, तो यहाँ पर कर जाएगा आर, क्या कर दिया, एक माइनस कर दिया, जो यहाँ पर सी है, सी में एक माइनस करेंगे तो कितना आ जाए, सी में यदि एक माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, सी में यदि एक माइनस करेंगे तो बी बन जाएगा, जो कि यहाँ पर देख रहा है कि बी बनाया। उसी प्रकार से यदि यहाँ पर ए बी लिखा, ठीक है, बी में एक माइनस करेंगे, यहाँ पर बी लिखा, बी में एक माइनस करके करें तो ए आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर एस और आर हो गया, दो वर्ड होगा। ठीक है, यानी कि आपका सी और बी, बी और डी तो होगा नहीं, होगा तो सी और ए होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ओ है, ठीक है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर क्या है, ओ, और ओ के बाद में पी क्यू, क्या है, ओ, यहाँ पर ओ दिख रहा है, नहीं आर है इसके पहले। ठीक है, अब आर से देखो, आर है यहाँ पर, ठीक है, आर से क्या किया गया है, आर से क्या खेला है, आर
पी क्यू आर, यानी कि क्यू मतलब मैं एक पहले रखा है इसका, इसका आर मैं एक माइनस कर दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से यदि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है ओ है, ओ के ओ में एक माइनस करें तो एन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एक माइनस करना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या है ओ है, तो ओ में एक माइनस कर दो ना, एक यदि माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा एन होगा, एन बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से एन हो जाएगा, तो इसमें भी है और इसमें भी है, अब आपका बनता है एक, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्या है सबसे लास्ट में यदि देखेंगे, सबसे लास्ट में क्या है तुम्हारा, सबसे लास्ट में यहाँ पर n है, वो यहाँ पर है क्या है w है। w से यदि देखेंगे v का क्या संबंध है, w से v का क्या संबंध है, w से v का क्या संबंध है, तो w से यदि आप देखेंगे v का क्या संबंध है, तो उसमें आप समझ पाएंगे कि w यानी कि t u v w v मतलब एक माइनस यहाँ पर भी किया है, तो ये w में से एक माइनस किया है, तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप r में से एक माइनस करेंगे, r में से यदि आप एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका s निकल किया जाएगा, क्या जाएगा s निकल किया जाएगा। वो इसके बाद में लास्ट बचता है आपका, लास्ट यहाँ पर t हो, यहाँ पर n है, यहाँ पर n है तो यहाँ पर m है, ठीक है। तो यहाँ से क्या किया गया है एक माइनस यहाँ पर भी किया गया है, तो उसी प्रकार से यदि आप t से एक माइनस कर दो, एक माइनस करेंगे तो क्या होगा t, क्या किया गया यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर n है, ठीक है, n के पहले वाला वर्ड लिखा गया है क्या m, उसी प्रकार से यहाँ पर t है, ठीक है, यहाँ पर t है तो t से पहले वाला शब्द लिखा जाएगा, t से पहले वाला शब्द कौन सा होगा s t u, क्या लिखा जाएगा इसका, इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो एक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा s हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो आपने किया है अभी यहाँ पर कौन सा, जैसे r, r से पहले वाला शब्द क्या होगा, r से पहले वाला शब्द क्या होगा p q r मतलब q होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यस यहाँ पर q आ जाएगा, कहाँ पर, यहाँ पर q आ जाएगा, यहाँ पर जो q आ जाएगा यहाँ पर r हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है पहला जो रखा गया है शब्द, पहला रखा गया है, उसके बाद में उसी के साथ वाला शब्द रख दिया गया है, एक पहले वाला शब्द रख दिया गया है, उसके बाद में सभी में एक एक माइनस कर दिया गया है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाए, एस आर एन क्यू एस, एस आर एन क्यू एस, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से सब पूछे जाते हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।